रंगों और उमंगों का त्योहार होली बेहद नजदीक है। हर तरफ पूरा माहौल फागुनमय हो गया है। वही देश के कई हिस्सों में होली की तैयारियां जोरों शोरों पर है। वही श्री कृष्ण की नगरी मथुरा अपनी विश्व प्रसिद्ध होली के लिए दुनिया भर के पर्यटकों की मेजबानी करने को तैयार है। इसी कड़ी में मथुरा में बीते दिन लड्डू मार होली पूरे जोश और ढेर सारे रंगों के साथ मनाई गयी। भक्तों ने जमकर नाच गाना किया, एक दूसरे पर लड्डू फेंके, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया गया। बरसाने में रंगों के बौछार का आनंद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी रंगोत्सव में उपस्थित रही। मैं बरसाना में हूं और आज से शुरू हो रही है, वैसे तो है 8 तारीख को होली, लेकिन यहां तो ब्रज में और बरसाना में तो 40 दिनों तक चलने वाली है ये होली। तो होली का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे कलाकार पूरे देश से आए हैं, सब लोग अपना अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जब जो सब कृष्ण के ऊपर जो भगवान कृष्ण और राधा ने जितने भी लीलाएं रचाई हैं उन सबको होली के रूप में अलग अलग किस्म का होली का खेलते हैं। लटमार होली, छड़ी मार, लड्डू मार, ऐसा बहुत सारे हैं रंग के साथ साथ। ऐसा भी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, पूरे देश से भी पूरे विदेश से भी आते हैं इसको देखने के लिए। ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत एक उत्सव हमारे देश में हो रहा है होली का, और मैं ब्रज में हूँ आज, बड़ा अच्छा लगा। वही होली के रंगों में सराबोर श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आए। मथुरा की प्रसिद्ध होली के साक्षी बनने के लिए यहाँ देश के दूर दराज क्षेत्रों से आए लाखों श्रद्धालुओं के साथ विदेशी मेहमान भी पहुँचे। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। होली के पहले ही इतनी तगड़ी होली खेल ली है, बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सबको यहाँ पे आ जाना चाहिए और बरसाने की होली एंजॉय करनी चाहिए। बता दें कि इस बार देश भर में 8 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि मथुरा और बरसाने में होली 8 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है और होली के रंग में रंगने के लिए मौजूद घंटों तक लोग लड्डू मार होली खेलते रहते हैं। इसकी शुरुआत दोपहर में होती है, जब बड़ी संख्या में यहां पहुंचने वाले भक्त श्री जी मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। कपाट खुलते ही मंदिर में लड्डू मार होली का उत्सव शुरू हो जाता है। इस दौरान भक्त श्री जी के दर्शन कर उन्हें गुलाल और लड्डू अर्पित करते हैं। इसी के साथ लड्डुओं की होली खेलने वाले श्रद्धालु इन्हें ग्रहण भी करते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।